ने सोना घड़ोला दियो, पर इन खुदाई के वक्त घड़ा भी पाया गया जिका सामान्य तरह अपने वर्तमान समय में जिका घड़ा है पांच घड़ा पानी भी मनावड़ है राम छह सात है। यानी भाई को कहना ही है अभी बहुत टाइम हो उठा कभी घड़ा बरसे ही कोनी। भाइयों मैं सुनील सिल्लू और थे देख रहे हो एमपीएल ब्लॉग। एमपीएल ब्लॉग है थारा बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं पहुंचा करनी माता का मंदिर जो को दारावास में बने बहुत प्राचीन मंदिर है और इनकी ऐतिहासिक जानकारी आप पुजारी जी को लेवांगा अठे सेवादार है बाग नु भी लेके थाने देवांगा। तो बहुत पुरानी पुरानी बातें थाने बताऊंगा और थे वीडियो बना रही हो वीडियो लाइक तो थाने बिना के करी देख रहो। और प्रेजेंट टाइम में खड़े बाबा भैरूनाथ के दरबार में और करनी माता के मंदिर में एंट्री करे पहला बाबा की मतलब बनाए प्रसिद्ध दरबार है वो बाबा भैरूनाथ को मंदिर है वो भी करनी माता के मंदिर के टाइम को ये बहुत प्राचीन मंदिर है इनकी भी जानकारी आप ले शाम। और तो भाइयों ओ बाबा भैरूनाथ को दरबार लगड़ो है करनी माता के मंदिर के एंट्री करे जस्ट पहला मेन गेट के सारे बाबा भैरूनाथ को दरबार है बहुत सोहना दरबार है बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। थोड़ा सा लेट पहुंचा मतलब दिन छिपन वाला सो रहे हैं इन कारण जगह श्रद्धालु अभी दोगले आ गए और जा चुके हैं। जिस अगर होता तो वे भी थाने में दिखाता और वीडियो को माथे पूरा बनया रही हो वीडियो लाइक कर दियो मंदिर की जानकारी पसंद आ जाए। तो बाबा भैरवनाथ के दरबार के अंदर गुरु गोरखनाथ को दूनों लगेड़ है तो वो भी प्राचीन काल को ये भी टाइम हो जी टाइम में करनी माता इं मान्यो जाए कि गंगा सिंह जी होता वही टाइम की स्थापना हुई है। बाकी पूरी जानकारी है पुजारी जी को लेवांगा और अपनी सुनेड़ी तो मेरी तो इं ही है भी गंगा सिंह के टाइम की स्थापना हुई है। बाकी जानकारी चलो पुजारी जी को ले जाओ। तो भाइयों अठे कुछ मतलब श्रद्धालु है या बे सेवादार है बेहड़ खड़े है आग उनकी आप जानकारी लियांगा और पुजारी जी है बाघ भी तो आप कुछ जानकारी लिया बेहतर सा मैं साझा करांगा। तो राम राम भाई साहब नाम रामकृष्ण है मैं कति से डब्ल्यू को रहने वाला हूँ। अठे की है करनी माता का मंदिर बहुत प्राचीन है कम कम 1940 या 50 का लंबे समय वो बहुत मोटी टिब्बो होगा नाली टूटती नाली खुली रहती मतलब डायरेक्ट यहाँ ओवरफ्लो चलती। फिर एक दिन नाली गई तकड़ी सारा जनता उड़ गई कई मर गई करनी छोटी सी मूर्ति जहाँ सामान्य आप घर में पूजा करी करा जहाँ की मूर्ति एक टिब्बे पर रहेगी जब बाद में क्यों होगा लोग उठा पड़े भी मूर्ति के बजे मानने लग गया हुड़ाड़ा किया कि बिना पूजा ज्यादा करता गया मानता गया बिना भेंट करता गया कोई ना कोई चीज तो एक साल अटे गड़ा बरसा अभी बाद में क्या है माता अर्जी लगाई लोग बहुत सारी जनता गांव की तो भी पता लग गया भी करनी माता अपने बचाव कर सके अभी बाद में कभी गड़ा कौन बरसा बे सोमनाथ जी महाराज जी यानी बे क्या है बे आपकी भक्ति में लीन होता बे बहुत ही बढ़िया तरीका हूँ गांव ने बचायो इन आने बचायो सके अठे की है खुदाई का वक्त भी बहुत सारी चीजा पाई गई और लोग आज भी मंदिर ने बहुत ज्यादा प्राचीन माने जावे इनकी एक आ बात मानी जाए एक सार नु विशेष इन प्राचीन मंदिर एक देश नोक में दूसरी प्राचीन मंदिर
फतेहगढ़ में माने जावे क्योंकि अच्छा की देश नो एक पहली पोतो तो बो आवे हां भी बाद में दूसरा स्थान ई मंदिर दूसरा स्थान ई मंदिर ने मिलेडो है बिया देखे तो अरे बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और अठे ये देवी है जो हरेक अच्छे मन से और सच्चे मन से भगत होता है पहले आए या सच्चे मन से भक्ति करे तो उसकी हर कामना को पूरी करती है। माता रानी गांव पर बहुत तकड़ी दया है, कृपा है, बहुत तकड़ी कृपा है। हाँ। यानी भाई को कहना ही है अभी बहुत टाइम हो उठा कभी गड़ा बरसे ही को नहीं और नाली ओवरफ्लो हो जाए तो इन एरिया का मान नाली कौन टूटे ना ही अठा कभी गड़ा बरसे फसल भी अच्छी खासी हुआ 1988 का नाली टूटी हुई बाद में 2023 आ चुके हैं बल्कि नाली को टूटी अभी आप देख सकते अभी गगर नदी है कम 50-100 मीटर दूर है ज्यादा दूर को नहीं और लारे भी इस साल में 2023 में सन में बहुत नाली टूटी है पंजाब तो पूरा डूबी गयो बल्कि राजस्थान के अंदर गुदारावास हनुमानगढ़ जिले के अंदर रस्ते घटी नाली को टूटी दे करनी माता की बजाऊँ अठन की अगर नवरात्रा के अंदर कम कम रिकॉर्ड रही हो एक लाख जनता को बहुत ज़्यादा जनता एकत्रित हुआ है करनी माता जी ने मनावे है। तो भाई साहब को कहना है कठे जब लगे नवरात्रा लगे अपने हाँ। तो भी टाइम है 1 लाख श्रद्धालु यानी 1 लाख प्लस भी लोग अठे धोक लगाना है मान्यता है लोगों का श्रद्धा भाव है मन में और करनी माता बांगी पुकार भी सुने अर्जी बांगी मंजूर भी करे हाँ। और इन अलावा थे तो वो भी एक नमकी खानी भी हाँ एक कठे की है कि पहले की होगा जद अठे हो को नहीं मतलब मूर्ति छोटी मोटी होती जद लोग मानने लगे जद अठे के होगा एक साइड में लूण की मतलब चालती क्योंकि खारो पानी हो तो लूण बनाता लोग क्यारियों यानी झील ही कोई खारा पानी हाँ खारा पानी एक छोटी सी झील मानो है तो बिन की है खुदाई करता वक्त जी मतलब कोई लुगाइया खुदाई करे बेचारी बन है सोना है घड़ोला दियो पर बे बेचारी बोली इतनी ज्यादा मतलब मान्यता ही को नहीं जिका बे व्यापारी आनी बन ठा पड़ गयो बे रातों रात भी घड़ा ने सने ट्रखीर सने घड़ा नहीं ले गए उड़ गया वो लूण लाने भी आप कोठी छोड़ गया क्योंकि इन मान्यता को सबूत भी है क्योंकि अठा पानी भी बहुत खारो है और चीजों है एक सारण प्राचीन स्थिति है अठे रस्ते भी डीख रहा फुटड़ी पड़ी है जिकी भी टीएम को सबूत है भी अठे कुमार रेन तो घड़ो बना तो हर आज भी बड़ा एक अठे 2-3 खुदाई के वक्त घड़ा भी पाया गया है जिका सामान्य तरह अपने वर्तमान समय में जिका घड़ा है भी 5 घड़ा पानी भी मनावड़ है राम 6-7 घड़ा जी आज और वो भी रिकॉर्ड रहा है कि अठे जिको बी टाइम सोमनाथ जी महाराज जी भी सेवा करता बंगो धूणो भी अभी स्थित है और बांगी गुफा भी स्थित है और बांगो जो शिव जी महाराज की पूजा करता वो भी स्थित है अड़े तो भाई साहब वो कहना है अठे सोमनाथ जी महाराज तपस्या करता की टाइम में और बांगी अठे कोई गुफा बनाई दी अंडरग्राउंड और बांगो धूणो भी है बिंगो भी थे ना रिव्यू दिखाऊंगा भाई अच्छी तरह दिखाऊंगा तो वीडियो में पूरा बनिया रही हो चलो गुफा का दर्शन भी थाने में करवा आज की मेरे बैक साइड में जगह दिख रही है अठे बतायो जाके खारे पानी की झील होया करती और इस झील में नमक को निर्माण होया करतो वाह मतलब टाइम टू टाइम मतलब टाइम के हिसाब वाह बदलती गई और भी बाद में जगह नया लोग आया वहाँ खुदाई वगैरह करी तो भी खुदाई के अंदर जगह गड़ा निकलिया और भाई गई कहो सोने को मटको निकलियो वो भी प्राचीन बात ही है कोई और जगह गड़ा यानी निकलिया मटका भी अपने सामान्य गड़ा ना हो थोड़ा मोटा है यानी 5-7 घड़ा अपना जगह पानी आ जाए समथिंग भी वहाँ और वे गड़ा प्रेजेंट टाइम में मंदिर के अंदर पड़े है वे भी थाने में दिखाऊंगा वीडियो में पूरा बने रही तो भाई साहब थाने इतनी मंदिर के बारे में जानकारी है पुरानी जानकारी है इतनी जानकारी थाने घटवा छोटी सी उम्र के मां माने कि है मैं जब छोटा सा होता 10-12 साल का होता जब मेरे दादाजी मेरे बुजुर्ग होता मेरे दादा पिताजी होता बे मैंने बताता का बेटा मैं करने माता मंदिर पर जानता यहाँ करके वहाँ मूर्ति स्थापना हुई बैठा वो चीज ला दियो और आज भी मैंने भी बारे में ज्ञान बहुत ज्यादा याद है कि मैंने मेरे दादा बैठ के मैंने अच्छी तरह बताता जब मैं छोटा सा होता जब मैं मेरे दादा से मंदिर पर आता खैर एक बात क्या है जब मैं छोटा सुनता होगा कोई जहर वाली दवाई पी ली जब मैंने टूंटी नीचे नुवायो फिर करनी माता की बुबीती दी बिंग बिजू भी की क्या है करनी माता की अस्थि दया बनी हुई रही है और क्या है आजकल के टाबर ने की हो जाए बीमारी मर जाए की हो जाए तो करनी माता अगर झाड़ू गाल देनी तो भी तांते मणि एड़ी भी सही रहे एक मैं यहाँ सुनियो चुके लारसी हो पशुओं में लिम्पी स्किन रोग आयो हाँ वो कहीं गांव में पशुओं में आयो ही को नहीं एक बात है 2022 के अंदर जो लिम्पी रोग आयो पशु गायों के अंदर बहुत ज्यादा कई गौशाला के अंदर गायों की बहुत बुरी हालत होगी बल्कि 31 SHW पंचायत के अंदर गुदारावास के अंदर रोग को नहीं है पूरे भारत के अंदर भी रोग बहुत ज्यादा फ्री हो कम 2-4 लाख लमसम गायें मर चुकी राजस्थान के अंदर तो बल्कि गुदारावास एक जो हिस्सो गाँव हो करने माता के बजू बच्चे को कोई सी गा बेचारी बुढ़ी हो गई मरी होनी बल्कि और भी रोग के कारण कोई कौन मरी तो भाई को कहना है इतनी करनी माता की देह है गुदारावास यानी समथिंग को एरिया हुआ करनी माता को बींग माँ लिम्पी स्किन पशुओं का रोग हुए भी कोनी और बिया भी कोई रोक दो गए अवे भी कोनी पशुओं भी और अमान समतवाण की जगह ही खड़े है सही बात है सही बात है भाई जी बिल्कुल
के नाम बतायो? सोमनाथ जी। सोमनाथ जी वो सोमनाथ जी महाराज वो दूनो है जूठे बैठ के तपस्या करया करता। वो दूनो दूनो दृष्टि सारे बा गुफा बनेड़ी है अंडरग्राउंड भी गुफा के अंदर बैठा करता तपस्या करया करता। बात चीज मैं थाना दिखा रहा देखे रखो तेरे छंडे रखो दुआ दो लाइक। ई गुफा के अंदर बैठ गए सोमनाथ जी महाराज तपस्या करया करता और बांगी दया दृष्टि बढ़िया मतलब लोगों पर दया दृष्टि बनी रही। देख रहे हो मेरी मतलब बैक साइड में आप सोमनाथ जी महाराज की समाधि है धुणा दृष्टि सारा समाधि और बैठे गुफा है तो बांगो तपस्या करने स्थान हो और लोगों पर दया दृष्टि करता बहुत लोग श्रद्धालु भी बहुत आंदा समा याचना चाहवा और वीडियो थोड़ी सपोर्ट करिए करो ताकि मारे टबरिया पड़ता रहे। राम राम।